डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट किस तरह से निकाल सकते हैं। ये फ्रेंड्स पहले हम से एक स्पेशल केस ले रहे हैं कि ए अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट सिंपली हम किस तरह से निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करो a11 और a22 का, 2x2 मैट्रिक्स के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस a21 और a12 का मल्टीप्लाई। तो इस तरह से ए मोड ए बराबर आ गया हमारे पास, ये हमारे पास ए का डिटरमिनेंट्स आ गया। अगर ए अगर ये है तो मोड ए बराबर हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम मोड ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। और अगर 3x3 मैट्रिक्स हो तो उस कंडीशन में किस तरह से हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स डिटरमिनेंट निकालने के लिए सिंपल जो बेसिक फॉर्म है वो है हमारे पास -1 to the power i + j, यानी आई प्लस जे क्या होता है, जैसे a11 तो यहाँ i1 है और ये जे भी 1 है, तो -1 to the power i + j। अब हम पहले निकालते हैं डिटरमिनेंट्स, पहले चेक करते हैं हम किसके करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं या फर्स्ट कॉलम के। मोस्टली हम फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग निकालते हैं। आप फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग निकालोगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग निकालोगे, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सेम होगा। अगर हम निकालना चाहें जाए, सपोज कि हम फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, तो -a11 -1 to the power i + j a11 तो ए आई जे होता है बेसिकली ये, तो ए यहाँ पे आई और जे की वैल्यू 1 1 है, तो -1 to the power 1 + 1 यानी 2, तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इस a11 को निकाले, तो a11 वाली कॉलम इसको और a11 वाली रो, इन दोनों रो इनको छोड़ देते हैं, बाकी जो बचा मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स जो बचा ये मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। तो ये हो गए हमारे पास, इसको हमने यहाँ लिख दिया है a22 और ये यहाँ पे आ गया हमारे पास। उसके बाद a12, तो a12 निकाला, तो a12 के करस्पॉन्डिंग, तो a12 निकाल रहे हैं, तो a12 से पहले -1 to the power i + j, तो -1 to the power i + j, तो यहाँ से 1 और प्लस 2 तो ये 3 हो जाएगा, तो ये -1 आ गया जाएगा, तो -a12 और ये हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इस कॉलम को छोड़ देना है, a12 वाले कॉलम को और a12 वाली रो को छोड़ देना है। बाकी जो बचे, बाकी क्या बचा, ये हमारे पास बचा फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, इन दोनों को पुट कर लेना है। तो फर्स्ट कॉलम ये रहा एंड सेकंड कॉलम ये रहा, इनका हमने डिटरमिनेंट निकाल देना है। इसी तरह से a13 के करस्पॉन्डिंग, अब a13 के करस्पॉन्डिंग तो -1 to the power 1 + 3 ये हो गया a13, और अब हमें क्या करना है, फिर से a13 वाली कॉलम को छोड़ना है, a13 वाली रो को छोड़ना है। उसको निकालने के बाद ये हमारे पास जो मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स बचा वो बचा ये वाला, तो इस वाले को हमने यहाँ पुट कर दिया। अब इसका हम अगर चाहें तो इसको इसका तो डिटरमिनेंट हम जैसे ऊपर निकालता है ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम आई जे के लिए भी हम डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं। सपोज ये 3x3 होना होके कुछ बड़ा होता तो उसके कंडीशन में ये भी कुछ बड़ा होता, ये 2x2 ना होके कुछ और बड़ा होता, तो फिर हमें उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ता, तो इस तरह से वो काफ़ी बड़ा हो जाता। तो बेसिकली हमें हमारे पास जब डिटरमिनेंट निकालना होता है मोस्टली 3x3 का ही पूछा जाता है, या 4x4 का भी अगर डिटरमिनेंट निकालना चाहे तो वो भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से हम डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं।